गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फटाफट हिमाचल पर। अगर वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेट करें ताकि इसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप तक हमारी खबरों को जरूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 सितंबर को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, स्कूलों को खोलने, राष्ट्रपति कोविंद के आगमन और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर होगी चर्चा, कोरोना की प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर 4 सितंबर को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 4 सितंबर को होगी। बैठक में राज्यों में बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की 6 अगस्त को होने वाली बातचीत और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल प्रवास पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। हिमाचल मंत्रिमंडल में सभी की नज़र रहेगी स्कूल खोलने को लेकर। मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि हिमाचल में काफी लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हैं। कोरोना के मामले भी हिमाचल में कम होना शुरू हो गए हैं, ऐसे में सरकार दोबारा से स्कूलों को खोलने पर विचार कर सकती है। कॉलेजों में भी 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ शुरू हो चुकी हैं। अगली बड़ी खबर है, केश पठानिया बोले खेल नीति तैयार, अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद होगी लागू। हिमाचल प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश की नई शिक्षा नीति बनकर तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राकेश पठानिया ने कहा कि नई खेल नीति में स्नो स्पोर्ट्स और विंटर ओलंपिक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग व एथलेटिक्स पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन खेलों में प्रतिभाओं की खोज कर प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले बोर्ड लेगा 3री, 5वीं, 8वीं के एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल की शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने 2 दिन तक शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड में बैठकों पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि 3री, 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा भी शिक्षा बोर्ड लेगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक बदलाव किया जाएगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलकर युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ते हुए हिमाचल की समृद्ध संस्कृति व कला से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने यह तय किया कि अब 3री, 5वीं तथा 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड लेगा। वेदर अलर्ट, हिमाचल में 6 सितंबर के बाद दोबारा सक्रिय होगा मानसून, 20 सितंबर को विदा हो जाएगा। 3 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट, इस बार राज्य में कुल 524 मिलीमीटर बरसे बादल। हिमाचल में मानसून अभी भी 20 सितंबर तक सक्रिय रहेगी। 6 सितंबर तक राज्य में मौसम साफ बना रहेगा, इसके बाद अचानक ही बदलाव आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6, 7, 8 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है, लेकिन इस बार राज्य में मानसून सीजन में सामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि 20 तक बारिश ठीक ठाक होगी। बड़ी खबर, हिमाचल सरकार ने बदले आईपीएस और एचपीपीएस, जाने किसे कहां मिली जनाती। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस एचपीपीएस ट्रांसफर हो गए। हिमाचल सरकार ने 1 आईपीएस और 8 एचपीएस पुलिस अफसरों की नियुक्ति और तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 1 आईएएस और 12 एचएएस को भी अतिरिक्त कार्यभार दिया है। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर, निजीकरण पर रोक नहीं लगी तो जोगेंद्रनगर में युवा कांग्रेस करेगी उग्र प्रदर्शन। निजीकरण पर रोक नहीं लगी तो युवा कांग्रेस देश भर में उग्र प्रदर्शन कर अपनी मांग पूरी करवाएगी। सौरभ ठाकुर ने कहा कि देश में अगर निजीकरण पर रोक नहीं लगी तो युवा कांग्रेस देश भर में उग्र प्रदर्शन कर अपनी मांग पूरी करवाएगी। महत्वपूर्ण सड़कों, बंदरगाहों को निजी व्यवसायियों को बेचने की केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया अनुराग से जुड़ा 12.5 लाख का सवाल। तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस सवाल कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार में युवा सेवाएं एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर हिमाचल वासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया है। शाम को टीवी पर प्रसारित हुए मशहूर कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। कार्यक्रम में पूछे गए 12,50,000 रुपए के इस सवाल में केबीसी के होस्ट एवं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठे प्रतिभागी से पूछे गया कि 2021 में कौन भारतीय राजनेता सांसद रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रैंक में पदोन्नत हुआ। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा महेंद्र सिंह को ना तो बागवानी की कोई समझ न ही बागवानों के हितैषी हैं। सुरेश भारद्वाज को भी दी चेतावनी, भाषा की मर्यादा ना भूले मंत्री। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाकुर ने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके बयानों से साफ है कि वह ना तो बागवानी की कोई समझ रखते हैं और ना ही उनके हितैषी हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खुले में से बेचने वाला बागवानी मंत्री का बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। चरस तस्करी के लिए आगे चला रखा था पायलट वाहन, फिर भी पकड़े गए। बिलासपुर पुलिस ने चरस व नकदी के साथ पकड़े मंडी के 3 लोग।
हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लोग नशे से सामान के साथ पकड़े जा रहे हैं। ताजे मामले में सदर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान पुलिस टीम ने बांगली सुंगल के पास एक पिकअप गाड़ी से 4 किलो 682 ग्राम चरस तथा करीब 4,29,500 रुपये की नकदी बरामद की है। पुलिस ने इन मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों जिला मंडी के रहने वाले हैं, जो बड़ी ही चलाकी से चरस को हिमाचल से दूसरे राज्य में ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ में इन्हें पकड़ा और सफलता हासिल की है।